दोस्तों स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रमोट यूट्यूब वीडियोस ऑन गूगल एड्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट बताऊंगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब अपने वीडियोस को प्रमोट करोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसी वीडियो में मैं कवर करूंगा। हालांकि मैंने इसके लिए अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन ये एक कंबाइंड वीडियो रहेगा जिसमें मैं आपके वो सारे प्रॉब्लम्स को एक पर्टिकुलर एक वीडियो में कवर करूंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और गाइस यहां पर आप देख सकते हैं मेरे गूगल एड्स का सर्टिफिकेशन, ये जो आप देख रहे हैं ये येलो कलर का, ये है मेरे गूगल सर्च एड्स का सर्टिफिकेशन, और ये जो है ये मेरे डिस्प्ले एड्स का सर्टिफिकेशन है। तो गाइस ये दोनों सर्टिफिकेट्स मुझे गूगल से मिले हैं, क्योंकि मैं गूगल एडवर्टाइजमेंट पिछले 3 साल से करता आ रहा हूं, और ये सर्टिफिकेशन बताने का रीजन ये है ताकि आपको यकीन हो जाए कि इस वीडियो में आप जो भी देख रहे हैं वो बिल्कुल 100% ट्रस्टेड नॉलेज रहेगा। इसमें कोई भी सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूं, और कम से कम वैल्यू में, मतलब कम से कम रुपीज में आपको ज्यादा से ज्यादा व्यूज कैसे लाने हैं ये मैं जानता हूं, और यही चीज मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं मेरा लैपटॉप स्क्रीन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने एक वीडियो का एडिट सेक्शन यहाँ पर ओपन कर रखा है। तो गाइस आज हम इस वीडियो को प्रमोट करेंगे गूगल एडवर्ड्स का यूज करके। तो गाइस उसके लिए सबसे पहले अब हमें ओपन करना होगा गूगल एडवर्ड्स, यानी कि आजकल हम उसे बोलते हैं गूगल एड्स। तो ठीक है, यहां पर मैं गूगल एड्स आपको शुरू से ओपन करके दिखाता हूं। आपको गूगल पे टाइप करना है गूगल एड्स, और फर्स्ट जो वेबसाइट आती है गेट मोर कस्टमर्स विद इजी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, तो गाइस आपको ये वाला ओपन करना है। तो हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये ऐसे एक स्क्रीन आपके सामने आएगी। तो गाइस यहां पर आपको लॉगिन करना है, लेकिन हम एक और टैब ओपन करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे ये मैं आपको अब बताऊंगा। तो यहां पर फिर से हम गूगल एड्स चलाएंगे। देखिए कभी कभी ऊपर यहां पर ये एड्स का आता है, आप इसको रहने देखे, आप दूसरा वाला ये ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग वाला ओपन कर सकते हैं। अब हम यहां पर इसको लॉग इन कर लेंगे, यानी कि साइन इन पर क्लिक करके हम इसको साइन इन कर लेंगे। साइन इन करते टाइम आपसे आपका आईडी पासवर्ड यहां पर ये मांगेगा, तो आपको अपना आईडी पासवर्ड एंटर करना है और इसको लॉग इन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी यहां पर लॉग इन कर रखा है, इसलिए मुझसे यहां पर नहीं मांगा है। तो गाइस यहां पर आने के बाद आपको होम पेज में कैंपेन्स का ऑप्शन, कैसे अकाउंट बनाते हैं ये सारा डिटेल मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले आप यहां पर मेरा कैंपेन देख सकते हैं। आप ये जितना भी यहां पर देख रहे हैं ये सारे मेरे कैंपेन्स हैं। ये देखिए फर्स्ट कैंपेन गेट यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, यूट्यूब थंबनेल स्ट्रेटजी, इनकॉग्निटो मोड, ये सारे मेरे कैंपेन्स हैं जो मैंने अभी चला रखे हैं। तो गाइस यहां पर मैं आपको लाइफ टाइम का दिखाने जा रहा हूं, ऑल टाइम। इस ऑल टाइम में आप मेरे कैंपेन्स को देख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला जो वीडियो है गेट यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, ये मैंने एक प्रमोट किया था, तो आप देख सकते हैं इसमें मुझे 8,590 रुपये मुझसे खर्च हुए, लेकिन आप देख सकते हैं 8,590 रुपये में मुझे मिले हैं यहाँ पर व्यूज 1,04,000। तो गाइस यहाँ पर मुझे एक व्यू का जो पैसा यहाँ पर देना पड़ा है वो है सिर्फ 8 पैसे, सिर्फ 8 पैसे में मुझे एक व्यू यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप इस 8,590 को 8 पैसों से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, आप चेक करके देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से 4000 आवर्स वॉच टाइम का एक वीडियो है, ये आप देख सकते हैं 28,000 व्यू मुझे मिले हैं और 2,000 रुपये में। तो अब यहाँ देख सकते हैं ये भी मुझे 8 पैसे में मिले, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब थंबनेल स्ट्रेटजी, यहाँ पर ये भी 8 पैसे में मिले हैं मुझे। और यहाँ नीचे अगर आओगे आप तो सिर्फ 12 पैसे में मुझे YouTube इस वाले कैंपेन पर भी व्यूज मिले हैं। और आप नीचे देख सकते हैं जियो कॉलर ट्यून, यहाँ पर सिर्फ 3 पैसे में मुझे व्यूज मिले हैं। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 197 रुपीज में मुझे 6,000 व्यूज मिले। तो कैसे आप देख सकते हैं कि मैंने कितने कम पैसों में यहाँ पर इतने सारे व्यूज ले रहा हूँ। तो गाइस इस तरह से आप भी अपना कैंपेन कैसे बना सकते हैं यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो गाइस ये मैंने आपको अपना प्रूफ दिखाया था, ये जो चीज थी ये स्टार्टिंग में मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप ट्रस्ट करें इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों अब हम बनाएंगे अपना पहला कैंपेन। अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। उसके लिए सबसे पहले
यहां पर मैं अपना YouTube ओपन कर लेता हूं एक बार। तो गाइस ये मेरे वीडियोस की लिस्ट है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां नीचे मैंने एक वीडियो बना रखा है, ये इधर आप देख सकते हैं कहां पे है, ये देखिए Google AdWords अकाउंट सेटअप। आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको सेटअप कैसे कर सकते हैं, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूं, मैंने यहां पर एक और टैब ओपन किया था लेकिन इसमें हमने यहां पर लॉगिन नहीं किया था। तो गाइस उसका रीजन ये है कि जब आप अपने कैंपेन बनाओगे तो हो सकता है 5-6 दिन तक वो कैंपेन अंडर रिव्यू रहे, वो अप्रूव ना हो, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको इस पेज पर आना है। इस पेज पर आने के बाद यहां पे एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर मैं ये मतलब ये जो कॉन्टैक्ट नंबर अभी यहाँ पे आप जो आप देख रहे हैं, ये हो सकता है 1 महीने के बाद ये नंबर चेंज हो जाए। तो गाइस आप जब भी कॉल करने आओगे तो आपको एक बार यहाँ पे आके कंफर्म कर लेना है कि यही नंबर है कि नहीं। तो सिर्फ इस वजह से मैंने इस टैब को यहाँ पर ओपन रहने दिया था। तो गाइस ये आपको आगे काम जरूर आएगा, और बाकी के डिटेल्स आपको इसको कॉल करके क्या बोलना है ये सब अगर आपको जानना है तो गाइस यहाँ पर मैंने एक और वीडियो बना रखा है, ये देखिए कैंपेन अंडर रिव्यू, ठीक है, ये वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं राइट साइड में, गूगल कैंपेन अंडर रिव्यू टू डे सोल्यूशन 100% वर्किंग, ये वाला जो वीडियो है इसको आप प्ले करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक गूगल एडवर्ड्स का कैंपेन नहीं बनाया है, मतलब अकाउंट ही नहीं बनाया है, तो आपको 2000 रुपीज यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। तो ये जो वीडियो है ये भी आप देख सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि 2000 रुपीज का एड क्रेडिट आपको कैसे लेना है। तो ये वीडियो आप इसके लिए देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपको आपने अपना अकाउंट बनाया और उसमें आपको मैनुअल की जगह आपने गलती से ऑटोमेटिक पेमेंट रख दिया, तो ऑटोमेटिक पेमेंट को मैनुअल कैसे करना है इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आपको यहाँ पर कहीं मिल जाएगा। ये देखिए गूगल एडवर्ड्स ऑटोमेटिक टू मैनुअल पेमेंट, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने कंप्लीट हर चीज का ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना रखा है। तो गाइस चलिए अब हम जल्दी से अपना कैंपेन बना लेते हैं। तो गाइस उसके लिए हमें फिर से फ्रंट पेज पे आना है, और ये कैंपेन वाले पेज पे ये देखिए यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है, ये ऐड कैंपेन का ऑप्शन होता है। तो गाइस यहाँ पे न्यू कैंपेन में जाना है आपको, और न्यू कैंपेन में जाते हैं ऐसा एक पेज आपके सामने ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको जाना प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, और उसमें आपको यहाँ पर आना है वीडियो, फिर आपको नीचे इन्फ्लुएंस कंसिडरेशन होता है, ये इसको ऐसे ही चेक रखना है, और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही एक पेज आएगा, इस पेज में आपको सारा का सारा काम करना होता है। देखिए अब सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि कैंपेन नाम क्या रखना है, तो गाइस यहां पर मैं कैंपेन का नाम रख देता हूं वर्डप्रेस लॉगिन एडमिन। तो गाइस वर्डप्रेस लॉगिन एडमिन ये मैंने अपने कैंपेन का नाम रख दिया। अब ऐसा क्यों रखा, वो तो सिर्फ यही है कि इस वीडियो का टॉपिक ये था इसलिए मैंने ये नाम रख दिया, ठीक है। तो आपको जो भी नाम पसंद आए, आप चाहे तो अपना नाम भी यहां रख सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ आप ही देख सकते हैं। अब कैंपेन को टोटल कितने रुपीज आप पे कर सकते हैं, तो गाइस यहां पर कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अगर आप चाहे तो 100 रुपए, 200 रुपए, 300, 500 जितना चाहे आप रख सकते हैं। तो गाइस फिलहाल मैं यहां पर रखूंगा 2000 रुपए, आप अगर चाहे तो 300 रुपए भी यहाँ पर रख सकते हैं। मैं कहता हूँ 300 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं, अगर आप एकदम बिगनर हैं तो। मैं 3 साल से कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर मुझे पता है कि कितना पेमेंट लगेगा मुझे, मैं हर चीज जानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 2000 रुपए रख रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2000 रुपए है तो आपको अपने अकाउंट में 2000 रुपए ही ऐड करने हैं, आप 500 रुपए ऐड कर भी यहाँ पर 2000 रुपए रख सकते हो, ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एक डेट कि ऐड कब चालू करें, तो आपको बताना है ये जो फर्स्ट ऑप्शन है एज सून एज एड्स आर अप्रूव, जैसे अप्रूव हो जाए चालू कर दो, ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, आपको इसको चेंज नहीं करना है। और इस एड्स को कब तक चलाना है, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं रखूंगा January 31, मैं चाहता हूँ January 31 तक ये एड मेरा चले, ठीक है। तो मैंने 31 जनवरी रख दिया है यहाँ पर, आप कोई भी डेट सेट कर सकते हैं, आप चाहे तो 7 दिन के लिए कर सकते हैं, 1 महीने के लिए कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही आपके पैसे यहाँ खत्म हो जाएंगे तो आपका एड चलना बंद हो जाएगा, भले ही यहाँ पर January 31 हो चाहे कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे पैसे खत्म हो जाएंगे आपका एड चलना बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैंने January 31 रख दिया। अब यहाँ पर ये नेटवर्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब सर्च रिजल्ट, यूट्यूब वीडियोज और वीडियो पार्टनर्स। तो गाइस यहाँ पर यूट्यूब सर्च रिजल्ट मतलब जब कोई किसी कीवर्ड से सर्च करेगा तभी आपके वीडियोज दिखेंगे, ठीक है, ये है
फर्स्ट ऑप्शन यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस मतलब दूसरों के यूट्यूब वीडियोस के अंदर आपके वीडियोस दिखेंगे। आपने देखा होगा दूसरों के वीडियो जब भी आप देखते हैं उसमें एड्स आते हैं, तो वहां पर आपके वीडियो के एड शुरू देखेंगे। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता हूं कि दूसरों के वीडियोस के बीच में मेरे वीडियो आए। मैं चाहता हूं जब कोई सर्च करे तभी मेरे वीडियोस देखे, ठीक है। तो ये ऑप्शन रख दिया। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा व्यूज चाहिए तो आप ये भी कर सकते हैं, इस पे आप चेक रख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा व्यू चाहिए, मुझे चाहिए क्वालिटी व्यूज, इसलिए मैं रख रहा हूँ ये वाला ऑप्शन। तो गाइस उसके बाद ऑल लैंग्वेजेस कोई इश्यू नहीं है, कंट्री इंडिया। गाइस यहां पर आप जब लोकेशन रख रहे हैं तो आपको अगर ध्यान रखना, अगर आपका बजट कम है और आपका लैंग्वेज, अगर आपने हिंदी में वीडियो बनाया तो आप उसी देश में रखिए जहां पर हिंदी बोला जाता है। जैसे मैं इंडिया रख रहा हूं, कम से कम बोला नहीं जाता, कम से कम समझ तो सकते हैं। ऐसे ही कंट्रीज आपको यहाँ रखना है, इंडिया रख दिया, पाकिस्तान रख दिया और बांग्लादेश यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। तो इन तीनों कंट्रीज में मैं अक्सर रखता हूँ, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर पैसे भी कम लगते हैं, लोग भी बहुत ज्यादा है और ये लोग हिंदी समझते भी है। तो गाइस इस वजह से ये तीनों कंट्रीज यहाँ पर रखे। इंडिया में भी सीपीसी बहुत कम होती है, पाकिस्तान में भी, लेकिन अगर यहाँ पर आप गलती से यूएस रख दोगे तो आपका एड बहुत ज्यादा आपसे पैसा ले लेगा। तो गाइस लेकिन वहां से आपको व्यूज मिलेंगे, पर वो बिल्कुल भी काम नहीं आएगा आपके, क्योंकि दो या तीन व्यू में ही आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। तो गाइस इसलिए आप लो सीपीसी कंट्रीज रखिए, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, अफगानिस्तान, ये जो कंट्रीज है यहाँ पर सबसे कम सीपीसी रहती है। तो गाइस मैंने ये तीनों कंट्री रख दी है और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अब सेकेंड होता है एड ग्रुप का कोई नाम रखना है। तो गाइस यहां पर मैं रख दूंगा WP एडमिन, ऐसे ही नाम रख रहा हूं, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप यहां पर भी। आप यहां पर चाहते हो अपना नाम रख सकते हैं, आपका नाम प्लस सरनेम कुछ भी हो आप यहां पर रख सकते हैं। कुछ पहचान होनी चाहिए, अपने हर कैंपेन को पहचानने के लिए एक प्रॉपर नाम रखना है, बाकी इसका कोई भी रोल नहीं होता है। और गाइस डेमोग्राफिक्स कि किस उम्र के लोगों के सामने जाना चाहिए, कौन से जेंडर के सामने जाना चाहिए, ये सारी चीजें यहां पर है। गाइस इन सब में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना आपको, क्योंकि आप चाह रहे हो कि जो लोग सर्च करें उनके सामने जाए। तो इनमें से कोई भी लोग अगर आपका वीडियो सर्च करता है, इसका मतलब आपके वीडियो की उनकी जरूरत है। तो फर्क नहीं पड़ता कि उनकी उम्र क्या है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये यहाँ पे आपके कोई काम की चीज नहीं है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पर कीवर्ड, क्योंकि कीवर्ड से सर्च करके लोग आपके वीडियो को देखें, आप ये चाहते हैं। ऑडियंस भी अभी सेट नहीं करना है क्योंकि आप कीवर्ड रख रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कीवर्ड्स में जाना है। तो गाइस अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई है यहाँ पर कीवर्ड्स। तो यहाँ पे कीवर्ड एंटर करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको जो मेन कीवर्ड है हाउ टू लॉग इन वर्डप्रेस एडमिन, ये वाला जो कीवर्ड आपको लेना है, क्योंकि आप चाहते हैं कि किसी भी कीवर्ड से व्यू आए नहीं आए इससे जरूर आना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये वाला कीवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। अब हमने ये ऐसे ही खाली छोड़ दिया था, तो हम इसको अब ये साइन इन कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम इसको साइन इन करने के बाद हम निकालेंगे अब कीवर्ड्स। तो अब यहां पर आप ऊपर देख सकते हैं टूल्स एंड सेटिंग्स। तो गाइस यहां पर टूल्स एंड सेटिंग्स में आपको जाना है और कीवर्ड प्लानर, यहां पे कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन है, तो हम कीवर्ड प्लानर में जाएंगे। कीवर्ड सेलेक्ट करना बहुत बड़ा एक टॉपिक होता है, लेकिन फिलहाल हम एड्स चला रहे हैं इसलिए हमें कीवर्ड्स को सेलेक्ट करने में ज्यादा ध्यान यहां पर नहीं देना है। तो सिंपली हम यहां पर डालेंगे वर्डप्रेस ट्यूटोरियल, क्योंकि मैं वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल सिखा रहा हूं एक तरह से। तो यहां पर मैं वर्डप्रेस ट्यूटोरियल यहां पर एंटर कर सकता हूं, तो वर्डप्रेस से रिलेटेड काफी सारे कीवर्ड यहां पर मुझे मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो कीवर्ड मैंने यहां पर डाला था, जो मेरा मेन कीवर्ड है, वो भी मुझे यहां पर ऊपर एंटर करना है और हम गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए अब हमारे पास कीवर्ड्स आ गए हैं यहां पर, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इधर आप देख सकते हैं इन सबका सर्च वॉल्यूम है, 1900 सर्च है, 9900 है, लर्न वर्डप्रेस पे ऐसे सर्च वॉल्यूम है। तो मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पर मिल गए हैं, ठीक है। अब इस कीवर्ड्स के लिस्ट में से आपको कीवर्ड्स उठाने हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला काम हमारा जो होना चाहिए, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, तो हमें यहाँ ऊपर सबसे टॉप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 50 सेलेक्टेड ऐसा लिखा हुआ है, 50 सेलेक्टेड आपको करना है सेलेक्ट 933। तो ये सारे 933 यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं। जैसे ही सेलेक्ट हो जाए तो आपको डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज यहाँ पर क्लिक करना है। तो हम डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर सेव फाइल का ऑप्शन आ गया है, हम इसे डाउनलोड कर लेंगे।
तो हो गया है, और इधर ये ऊपर एरो में यहां पर आ गया है। और अब हम इस पर क्लिक करके इस एक्सेल फाइल को ओपन कर लेंगे। ये एक एक्सेल शीट है, इसको हम ओपन कर लेंगे। तो ये एक्सेल शीट जैसे ही ओपन हो जाए उसके बाद मैं बताता हूं कि आपको कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आप इसको एक्सटेंड कर दें, आपको बाकी सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। ये कीबोर्ड वाला जो पोर्शन था उसको मैंने एक्सटेंड कर लिया। और अब सबसे पहले हमें देखना है ये फर्स्ट वाला जो कीबोर्ड है वहां पर आपको इसे रखना है, और साइड में से इसको पूरा ड्रैग करके नीचे लाना है लास्ट कीबोर्ड तक। लास्ट कीबोर्ड तक लाने के बाद आपको शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबा के सबसे लास्ट वाले कीबोर्ड पर क्लिक करना है। तो ये सारे कीबोर्ड जो है आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट होने के बाद आपको कंट्रोल सी पे क्लिक करके इसे कॉपी करना है। कॉपी करके आपको वापस अपने एडवर्ड्स में आना है जहां पे आपने कीवर्ड एंटर किया था। उसके नीचे आने के बाद आपको कंट्रोल वी पे क्लिक करना, मतलब पेस्ट करना है। यहाँ पे पेस्ट करते ही सारे के सारे कीवर्ड्स आपके यहां पर आ चुके हैं। तो गाइस यहां पर सारे कीवर्ड्स जैसे ही आपके आ जाए तो उसके बाद आपको आपका कीवर्ड का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको यहां पर नीचे आना पड़ेगा। नीचे आके आपको अब यहां पर बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से सुन लें। यहां पर आपको बताना है कि आप अपने एक व्यू के लिए आप कितने रुपए देना चाहते हैं। ठीक है, यहां पर जब भी आप रखें, जब आप अपना कैंपेन बना रहे हैं तो सबसे पहले यहां पर आप ध्यान रखें आपको कम से कम यहां पर 30 पैसे तो रखने ही रखने हैं। बाद में एक बार आपका कैंपेन अप्रूव हो जाए उसके बाद आप इसे कम कर सकते हैं। वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जब आप अपना कैंपेन बना रहे हैं तो आपको कम से कम यहां पर 0.30 तो रखना ही रखना है। इससे अगर आप कम रखते हैं तो आपका जो कैंपेन है वो अप्रूव होने के बाद भी फर्स्ट टाइम चलने में काफी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आपको कम से कम 30 रखना है। और अगर फिर भी नहीं चला तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, और कोई भी रास्ता यहां पर नहीं है। आप इसको 0.40 रख सकते हैं, 0.50 रख सकते हैं, इससे ऊपर मत रखें, 0.50 से ऊपर आप मत रखें। गाइस 0.50 रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर व्यूज पे 0.50 पैसे देने ही पड़ेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आप इससे ज्यादा नहीं देंगे, ये मतलब होता है इसका। तो हो सकता है आपको 0.10 में भी व्यू मिल जाए, 0.08 में भी व्यू मिल जाए, लेकिन आपको यहां पर 0.50 रखना पड़ेगा अगर आपके व्यूज नहीं मिले। लेकिन फिलहाल के लिए आप मिनिमम 0.30 रख सकते हैं। और ये हमारा पूरा काम हो गया कैंपेन का भी और एड ग्रुप्स का भी। अब हम आ गए हैं हमारे एड सेक्शन में। तो गाइस यहां पर हमें अपने वीडियो का URL कॉपी पेस्ट करना है, तो हम यहां से इसका वीडियो का URL कॉपी कर लेंगे और यहां पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते ही यहां पर हमारा वीडियो देखिए आ गया, ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। और यहां पर स्किपेबल इनस्ट्रीम एड ऑलरेडी बंद है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि कीवर्ड से सर्च कर आए लोग, मतलब डिस्कवर करके आए, डिस्कवरी एड। ठीक है, तो आपको थंबनेल का ऑप्शन है, तो आपने जो थंबनेल रखा है वही रखना है, मैं भी वही रख रहा हूं। अब यहां पर आपको अपना हेडलाइन लिखना है, आप जो चाहे वो हेडलाइन लिख सकते हैं। मैं अपना वही हेडलाइन लिखूंगा जो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वही लोग मेरे वीडियो पर क्लिक करके देखें जिनको एक्चुअल में ये चीज सीखना हो। तो मैं गलत चीजें यहां पर लिख के उनसे जबरदस्ती क्लिक नहीं करवाऊंगा, तो मेरे पैसों का यहां पर नुकसान होगा। इसलिए अब यहां पर लर्न वर्डप्रेस, ठीक है, ये एक डिस्क्रिप्शन मैंने ऐसे ही लिख दिया है, लर्न वर्डप्रेस इन हिंदी। ठीक है, अब यहां पर मैं लिखूंगा वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, तो यहां पे रख दिया। और लास्ट में ऐड का कोई भी एक नाम देना है, तो मैं यहां पर रख दूंगा वर्डप्रेस। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप यहाँ पे, ये खाली अपने पहचान के लिए होता है। तो यहाँ पे अपन ने तीन नाम रखे, एक कैंपेन नाम रखा, एक एड ग्रुप नेम रखा, और हमने यहाँ पे एक एड नेम रखा। तो गाइस फाइनली हमारा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब आप क्रिएट कैंपेन पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ कीवर्ड्स इसमें ऐसे होंगे जो रखना मना होता है, तो वो आपको यहाँ पे पता लगाना होगा। आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है, गूगल एडवर्ड हमें खुद बता देगा जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं। तो चलिए हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए अब इसके टाइटल में ये जो चीज है वर्डप्रेस, ये वर्डप्रेस रखना अभी फिलहाल मना है, हमेशा ये मना नहीं रहता है, क्योंकि वर्डप्रेस एक ब्रांड नेम है।
ठीक है, ये पॉलिसी के खिलाफ है, तो यहाँ पर हमें अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में से वर्डप्रेस हमें हटाना पड़ेगा। तो गाइस ऐसे में हमें यहाँ पर कुछ और रखना पड़ेगा, हाउ टू लॉग इन वेबसाइट एडमिन लर्न टू क्रिएट योर वेबसाइट। ठीक है, अब वेब डिजाइन ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। अब हमने यहां हर जगह से वर्डप्रेस हटा दिया है। गाइस ये हमेशा ये एक इश्यू नहीं रहेगा, हो सकता है अगर आप 10 दिन बाद ये एड बनाते हैं तो तब आपके लिए एक इश्यू यहां पर नहीं रहेगा। कभी कभी ब्रांड नेम को ये मना कर देते हैं, कुछ पॉलिसी वायलेशंस हो जाती है इसलिए, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहता। देखिए हमारे कीवर्ड में हमने वर्डप्रेस लिखा था लेकिन वहां पे कोई भी इशू नहीं आया, सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ये प्रॉब्लम आई। तो गाइस हमने उसको चेंज कर दिया और हमारा एड अब बिल्कुल सही है, कुछ भी गलती अब उसमें नहीं है। तो गाइस कंटिन्यू टू कैंपेन में आप क्लिक करेंगे तो हमने हमारा पूरा जो एड है वो क्रिएट यहां पर कर लिया है। तो अब हम चलते हैं वापस कैंपेन में। कैंपेन में जाने के लिए हमें ऊपर यहाँ पे गूगल एड्स पे क्लिक करना है और मैं आपको वो कैंपेन अब यहाँ पे दिखाता हूँ। तो गाइस ये जो कैंपेन है आपको ग्रीन, ये देखिए वर्डप्रेस लॉगिन एडमिन कैंपेन हमने 2000 रुपये सेट किया था वो हो गया। अब हम इस पर क्लिक करना है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम एड ग्रुप में जाएंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने एड ग्रुप का नाम WP एडमिन रखा था, ठीक है, और ये 30 पैसे। एक बार एड अप्रूव हो जाए तो आपको इस एडिट पे क्लिक करना है और उसके बाद आप इसको कम कर सकते हैं, 25 पैसे, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे 25 दबाते हैं, 25 पैसे हो गए, ये देखिए 25 पैसे और ये काम हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका ऐड अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखिए आपका ऐड जो है वो ऐसा दिखेगा जो भी हमने टाइटल लिखा था, लर्न टू क्रिएट योर वेबसाइट वेब डिजाइन ट्यूटोरियल। यहाँ पे ये अंडर रिव्यू आपको चेक करना है, इस अंडर रिव्यू के जगह पर अप्रूव्ड लिखा हुआ आता है कि नहीं। जैसे अप्रूव्ड लिखा हुआ आ गया इसका मतलब है कि आपका ऐड अप्रूव हो गया है। 5 दिन तक नहीं हुआ तो मैंने आपको बताया कि क्या करना है, ये सारे वीडियोस है जो भी मैंने आपको बताया था इन सब में आप देख सकते हैं, आपको हर चीज का सोल्यूशन मेरे इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो गाइस अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे लेके चलता हूं, वो है हमारा पेमेंट। पेमेंट सेटअप कैसे करना है वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, गूगल एडवर्ड्स अगर, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। बिलिंग एंड समरी आप कैसे अपना चेक कर सकते हैं आपके कितने रुपए बाकी है, तो आपको टूल्स एंड सेटिंग्स में जाना है और ये बिलिंग एंड समरी पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप यहाँ पे आ जाएंगे अपने पेमेंट सेक्शन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे 393 रुपीज बाकी है, तो 393 रुपीज का अब मेरे एड्स चलेंगे। और इसके अलावा आपने कौन से महीने में कितने रुपए खर्च किए ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और पेमेंट मेथड सेटअप करना, यहाँ पर मैंने सेटअप कर रखा है पेटीएम का पेमेंट मेथड यहाँ पे सेटअप कर रखा है मैंने। आप चाहे तो गूगल पे यूज कर सकते हैं, बैंक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं और फोन पे यूज कर सकते हैं, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आपको जब भी पेमेंट करना है तो मे के पेमेंट पे क्लिक करना है, मे के पेमेंट पे क्लिक करते ही यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाते हैं, नेट बैंकिंग मनी ट्रांसफर गूगल पे एड क्रेडिट कार्ड पेटीएम। तो मैंने यहाँ पर अपना ऐड कर रखा है पेटीएम वॉलेट और इससे मेरा जो है पेमेंट मैं करता हूँ। तो गाइस ये हमारा जो टोटल एड बनाने का जो टॉपिक था वो यहाँ पर कवर हो चुका है। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम आपको आए क्या करना है मैंने आपको अच्छी तरह यहाँ पर बता दिया है। तो गाइस यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई है बिल्कुल सही तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।